हेलो क्लास, पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्याकरण में क्या पढ़ा था? भाषा और व्याकरण, है ना। आज हम लोग जानेंगे वर्ण क्या होता है ना। वर्ण को हम लोग अक्षर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है वर्ण किसे कहते हैं, है ना, या फिर वर्ण क्या, ठीक है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। वर्ण किसे बोलते हैं? अक्षर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं जा सकते। जब हम अक्षर को बोलते हैं तो उसको हम लोग और अधिक तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये वर्ण क्या है? जैसे अ, आ, हर्षई, क, ल, प, र, आदि, ठीक है। इन अक्षरों को हम अच्छी तरह जानते हैं, तो इनको बोलते हैं वर्ण, ठीक है। इनको हम और अधिक तोड़कर नहीं पढ़ सकते। अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, क, ल, प, र, द, स, न, जितने भी अक्षर हैं वो क्या है? वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है। वर्ण क्या होता है? जिसका हम लोग और भी छोटा रूप नहीं कर सकते, है ना। यानी कि वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते उसको बोलते हैं वर्ण, है ना। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण में ऐसे कौन कौन से अक्षर आते हैं उसके बारे में जानेंगे, और व्यंजन वर्ण में ऐसे कौन कौन से अक्षर आते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण। सबसे पहले जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में ना। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, है ना। ऐसा वर्ण जिसको बोलने या लिखने में कोई दूसरा वर्ण सहायता न करता, है ना, उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये क्या है? स्वर वर्ण। ये कितने होते हैं?
एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं ना, ये आपको याद रखना है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं ना। कौन कौन होते हैं? अ आ हर्षई दीर्घई हर्षउ दीर्घउ री ए आई ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे, है ना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन के बारे में, ठीक है। स्वर वर्ण आप लोग समझ में आ गया कि जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। जैसे अ आ हर्षई दीर्घई, ये सब जितने भी 11 स्वर वर्ण है, इसको बोलने में कोई भी दूसरा वर्ण इसका सहायता नहीं करता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्वर वर्ण। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण, है ना। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है? जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण को बोलने या लिखने में कोई दूसरा वर्ण का सहायता करने का जरूरत नहीं, लेकिन व्यंजन वर्ण जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो उसका सहायता कौन करता है? स्वर वर्ण करता है। जैसे हम क बोलते हैं तो क क के साथ अ जुड़ा हुआ रहता है, क प्लस अ, है ना, इक्वल टू हो गया क, ठीक है। तो ये व्यंजन वर्ण है, क क के साथ क्या स्वर मिला? अ, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण है जैसे क ख ग घ अंग च छ ज छ इय ट ठ ड ध मूर्धन्य, है ना। इसमें ड ढ और त थ द थ न प ख प भ म य र ल व तालाव्यश मूर्धन्यश दन्तश ह। ये सभी को हम लोग स्वर व्यंजन वर्ण बोलते हैं ना। व्यंजन वर्ण कौन कौन है? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ मूर्धन्य ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालाव्यश मूर्धन्यश दन्तश ह। ये इतने हैं व्यंजन, ठीक है। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इक्कीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस। टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 35, है ना, 35, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन वर्ग कितने होते हैं? कुल 35, है ना, 35, ठीक है, 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसके अलावे कुछ और अक्षर है, ठीक है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर और व्यंजन के अलावे भी कुछ अक्षर इसमें छूट गया, ठीक है, स्वर में भी कुछ अक्षर छूट गया और व्यंजन में कुछ अक्षर छूट गया, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग आगे जाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, है ना, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन, ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो दो व्यंजन कौन कौन से मेल हो, है ना, उसको हम लोग जानेंगे। तो ये है छ त्र ज्ञ, छ त्र ज्ञ और स्र, ठीक है, इन व्यंजनों में कुछ और भी व्यंजन मिले हुए हैं, जैसे क जोड़ मूर्धन्य ष, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, छ, ठीक है, संयुक्त छ इसको बोलते हैं। त्र, त्र में भी दो व्यंजन मिले हुए हैं, त और र, त और र मिलकर बना है त्र, ठीक है। नेक्स्ट ज और इय, ये दोनों मिलके क्या बना है, ज्ञ, ठीक है ना, ज और इय मिलके क्या बना है, ज्ञ। उसी तरह से तालाविश और र, तालाविश और र मिलकर बना है श्र, ठीक है। और इन व्यंजनों से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे पक्ष, परीक्षा, तरह से पत्र, पात्र, त्रिशूल, ज्ञ से शब्द है ज्ञानी, ज्ञान, स्र से श्रमिक, श्रम, इस तरह से संयुक्त वर्ण है, है ना। तो संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, चार संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है, संयुक्त वर्ण चार होते हैं ना, ये आप लोग को याद रखना है, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, चार होते हैं, कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है, क्योंकि इसमें दो व्यंजन मिलके बने हुए, क श मिलके छ बना, त और र मिलके त्र बना, ज इय मिलके ज्ञ बना और ताला विश और र मिलके स्र बना, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन के आगे हम लोग को कुछ जानना है, ये जो व्यंजन वर्ण में छूटे हुए जो अक्षर थे उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, है ना, और भी कुछ अक्षर छूटे हुए उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे विसर्ग, है ना, विसर्ग क्या होता है, ये जो चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग, या यह चिन्ह विसर्ग कहलाता है, ठीक है, ये चिन्ह क्या कहलाता है, विसर्ग, और विसर्ग से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे प्रातः, इसको हम लोग अह बोलते हैं, अह की मात्रा विसर्ग बोलते हैं या फिर अह की मात्रा बोलते हैं, ना, जैसे स्वर में अ आ हर्षे दीर्घ में अह आता है, है ना, तो ये विसर्ग की मात्रा इसको बोलते हैं ना अह। तो जिस तरह शब्द बनते हैं क्या बोलते हैं, प्रातः, नमः, अतः, इस तरह से
बहुत सारे शब्द हैं जिसमें विसर्ग की मात्रा को लगाकर हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रातः, नमः, अतः, है ना, क्रमशः, ठीक है, इस तरह के शब्द है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे विसर्ग के बाद क्या होता है, अनुस्वार, है ना, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार इसको बोलते हैं अनुस्वार, है ना, है ना, इसको हम लोग अंग की मात्रा ही बोलते हैं ना, अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ ऊ री ए ऐ ओ औ, अंग अंग अच्छा रखता है तो ये है अंग की मात्रा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। यह चिन्ह अनुस्वार कहलाता है, ये चिन्ह क्या कहलाता है, अनुस्वार, ठीक है ना, अनुस्वार यानी अंग की मात्रा, इससे इसके जब भी कोई अक्षर हो इसके ऊपर में लगता है ना। कुछ ऐसे शब्द हम लोग देखेंगे जिसमें अंग का मात्रा है, जैसे कंगन, है ना, इसके ऊपर अंग का मात्रा लगाए हम लोग बिंदु, है ना, इसको बोलते हैं अनुस्वार। कंगन, मंजन, दंत, ठीक है ना, पंखा, तो ये अंग का मात्रा हो गया ना, कंगन, मंजन, दंत, पंखा, ये सब क्या है, अनुस्वार, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग की मात्रा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अनुनास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ, सिक्स्थ हम लोग जानेंगे अनुनासिक के बारे में, अनुनासिक। अनुनासिक किसको बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं अनुनासिक, है ना, जिसको हम लोग चंद्र बिंदु ही बोलते हैं ना, इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं ना, चंद्र बिंदु ये अनुनासिक कहलाता है, ठीक है। और इस चंद्र बिंदु से भी हम लोग बहुत सारे शब्द बनाते हैं, जैसे सांप, है ना, अनुनासिक लगाया ऊपर में चंद्र बिंदु, सांप, कांच, है ना, आंख, कांटा, समझ में आ रहा है। अनुनासिक शब्द का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो चंद्र बिंदु लगाकर, है ना, किसी भी अक्षर में जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसको बोलते हैं अनुनासिक, है ना, या फिर चंद्र बिंदु बोलते हैं ना, पढ़ते हैं सांप, कांच, आंख, कांटा, इस तरह के शब्दों में अनुनासिक लगाकर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और अब लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगत ध्वनिया, आगत ध्वनिया, है ना, ये आगत ध्वनिया क्या है, ठीक है, आगत ध्वनिया क्या होता है, कोई भी अन्य भाषा में, है ना, कोई दूसरा भाषा में अगर कोई ध्वनि आता है ना, उसको बोलते हैं आगत ध्वनिया, ठीक है। किसी किसी अन्य भाषा में आई, कोई भी अन्य भाषा हो उसमें आई ध्वनियां क्या कहलाती है, आगत ध्वनियां कहलाती, ठीक है।
अब हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई किसी अन्य भाषा में कौन सी ध्वनि आता है, ठीक है? तो हम लोग जानेंगे ओ, ठीक है? जैसे हम लोग चंद्र बिंदु पढ़े थे, चंद्र रहेगा लेकिन उसमें बिंदु नहीं होगा, ठीक है? तो हम लोग इसको बोलते हैं आगत ध्वनियां, जैसे फ्रॉग, डॉक्टर, है ना, हॉल, ऑक्सीजन, ठीक है? इसमें जो ध्वनियां आ रही है इसको बोलते हैं आगत ध्वनियां। तो ये क्या है अन्य भाषा की, ये फ्रॉग, डॉक्टर, हॉल, ऑक्सीजन, ये तो दूसरे भाषा की हो गई, हिंदी भाषा का तो है नहीं, ये इंग्लिश भाषा का है ना। तो ये ध्वनियां क्या हुई है, आगत ध्वनियां, ठीक है? फ्रॉग, डॉक्टर, हॉल, ऑक्सीजन, मॉल, चॉकलेट, कॉफी, इस तरह की ध्वनियां आती है, ठीक है? और क्या होता है, जैसे ज, है ना, यहां पर एक हम बिंदु लगाएं, इसको ज नहीं पढ़ें, क्या पढ़ेंगे, ज, ठीक है? जैसे अंग्रेजी, ठीक है ना, अंग्रेजी पढ़ेंगे इसको, है ना, ये क्या है, जबान, जबान नहीं पढ़ेंगे, जबान पढ़ेंगे, ठीक है? कागज, कागज नहीं पढ़े, कागज, ठीक है? तो ये दोनों ध्वनियां क्या है, आगत ध्वनि, समझ में आ गया? अब आप लोग इस वीडियो को 2-3-4 बार, जितना बार चाहे उतना बार देखिए, ताकि आपको वर्ण के बारे में समझ आ जाए, ठीक है? इस तरह से आप लोग व्याकरण में अच्छे अक्षर को पहचान पाएंगे, ये कौन कौन से अक्षर किस रूप में आते हैं, और व्याकरण को भी अच्छे से समझ पाएंगे। ओके?